हमारे टाउन के प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। हमारा स्मॉल टाउन है, ये पहाड़ भी है यहाँ पे, तो ये इतने प्यारे प्यारे घर है ये ऊँचे नीचे बने हुए पहाड़ पे। आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ ताकि आप लोगों की भी ज़रा सैर व तफरी हो जाए सुबह सुबह। तो आप हमारे साथ रहेगा, पूरा व्लॉग देखना है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज ये मेरा व्लॉग होने वाला है हमारे स्मॉल टाउन पे। स्मॉल टाउन में रहने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है वो मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग में, पूरा व्लॉग आपने देखना है। तो जी हमारा स्मॉल टाउन तो है पर कहने का है यहाँ पे सब चीज़ें, मतलब स्कूल से लेके कॉलेज तक आपको मिलेगा, और हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, और देखें पर ये खूबसूरती जो है ना ये स्मॉल टाउन में ही मिलेगी आपको। ये एक हिली रास्ते से हम जा रहे हैं, प्यारे छोटे छोटे घर हैं, और यहाँ पे ये कि स्मॉल टाउन जो होते हैं ना यहाँ पे सब चीज़ें करीब करीब होती हैं। मतलब आप पैदल ही जाके ना कोई भी चीज़ आप शॉपिंग करनी है या आपने भी हॉस्पिटल जाना है या कोई आपने कुछ और चीज़ें करनी है तो वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। और एक स्मॉल टाउन में रहने का एक ये फ़ायदा हुआ है मुझे कि मेरी आदत बहुत सोने की, बहुत रूटीन चेंज हुई है जब से मैं जर्मनी में आई हूँ ना और मैं यहाँ रह रही हूँ। बहुत ही काम होता है यहाँ पर, ज़्यादा इतना शोर शराबा नहीं है स्मॉल टाउन में एज़ कम्पेयर टू बिग सिटी, तो मैं काफ़ी जल्दी सो जाती और जल्दी उठ जाती हूँ। सामने कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत से पहाड़ हैं। हम लोग वेकेशन पे आए हैं, जब भी बाहर निकलते हैं इतना अच्छा व्यू होता है ना तो बहुत मज़ा आ जाता है। दरख्त आ चुका है और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं। पाकिस्तान भी खूबसूरत है, नॉर्दर्न एरिया यूरोप भी बहुत खूबसूरत है, हर कोना यहाँ पे ना। एक तो सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, देखिए सामने सफाई हो रही है। एज़ कम्पेयर टू बिग सिटी मुझे लगता है कि हमारा स्मॉल टाउन बहुत ही क्लीन है, क्योंकि मैं बिग सिटीज़ में भी जाती हूँ पर यहाँ पे देखें सुबह सुबह ये पत्ते साफ करने आ गए, स्नोफॉल का भी इतनी खूबसूरती है, फूल गुलाब के लगे हुए यहाँ पे। और ये देखिए हमारे टाउन के प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर बने हुए, और ये रास्ता आ गया मेन रोड पर लेके जाने के लिए, शॉर्टकट रास्ता। आज हमने कहा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक हो जाए, अपॉइंटमेंट भी हमारा, चलो वहाँ से भी हो लेते हैं। जर्मनी के जो स्मॉल टाउन्स होते हैं वहाँ पे एक मार्क होता है जो हम सेंटर ऑफ जो टाउन का होता है, वहाँ पे आपको सब चीज़ अवेलेबल होती है। देखिए बैंक है, बेकरी है, शॉप्स हैं, आप इजली हर तरह की चीज़ें यहाँ से बाय कर सकते हैं। मार्केट भी लगती है, फ्लावर शॉप भी कितनी खूबसूरत है। और एक ही स्मॉल टाउन में रहने का ये होता है कि आप बहुत काम फील करते हैं, बहुत अच्छा व्यू होता है और आपकी रूटीन भी बहुत चेंज हो जाती है। जैसे मेरे सोने और उठने का मैंने आपको बताया, ये भी अच्छा चेंज है। और देखें स्कूल, ये जहाँ से स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब स्कूल भी यहाँ बहुत हैं। और यहाँ देखें यहाँ पर अभी बस आएगी ना और कार्स भी रुकी हुई हैं सिर्फ बच्चों के लिए। और बिग सिटीज़ में जर्मनी में तो खैर बहुत ही रूल्स हैं, तो बस आज भी थोड़ी सी मैंने कहा आपको दिखाती हूँ हमारा प्यारा सा स्मॉल टाउन की सैर करवाती हूँ। तो मैं जी मैं आ गई हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है क्रोएशिया करना, तो फिर मैंने कहा जरा आज ये शॉपिंग हो जाए। अब तो वैसे ही विंटर्स बहुत आ चुके हैं, यहाँ पे तो बहुत ठंड हो रही, तो ये कि बस स्मॉल टाउन का ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पे ना आप अगर आप बहुत हैपनिंग है तो फिर आपको पता है, अरे तो जर्मनी का वैसे भी रूल है कि 10 बजे के बाद कोई शोर नहीं हो, यहाँ तो 7-8 बजे के बाद ही कोई आपको नज़र नहीं आता। और एक वीकेंड पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है बहुत लिमिटेड हो जाती है। और ये कि जो पाकिस्तानी है या कोई हमारा कल्चर है तो अगर वो रहना चाहते हैं स्मॉल टाउन, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है हमारे बच्चे जब ग्रो अप हो रहे होते हैं तो आपको पता है जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे अलग ही प्रॉब्लम्स होती हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्मॉल टाउन में मैंने आज इतना देखने को नहीं मिलती। तो जी मैं अपनी बेटी का शाल बना रही थी, यहाँ पे शाल कहते हैं जो गले में जैसे मफलर टाइप होता है वो बंद होता है, तो बहुत सर्दियाँ आ गई हैं तो मैंने इसके लिए बनाया है। तो आप लोगों को कैसा व्लॉग लगा मुझे ज़रूर आपने बताना है। और आजकल मैं कम व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि अब मैं काफ़ी बिजी हूँ, मैं आगे भी व्लॉग बताऊँगी क्यों बिजी हूँ, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होती है। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।